आज से एक नए सफ़र की तैयारी है। नए सफ़र के लिए निकल पड़े हैं हम लोग, और जिसके लिए पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पे। तो फ्लाइट शाम की है, बट चूंकि 4 घंटे पहले पहुंचना रहता है तो इसलिए हम लोग 2 बजे करीब पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और इस समय भी इतनी भीड़ है कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरे लोग ही सब कहीं बाहर ही जा रहे हैं। और ये देखो अब कितना सामान निकलने वाला है हमारा, 1 2 3 4 5, और अभी गिनते जाओ आप। और सामान केवल पीछे डिक्की में ही नहीं है, आगे भी रखा था, तो जिसके लिए बेटी को सामान के ऊपर ही बैठना पड़ा था। तो हम लोग हंस रहे थे कि देखो होंडा सिटी वाले हमारी इस क्लिप को एज एड यूज़ कर सकते हैं, कि देखो कितना सामान हम गाड़ी में भर के जा सकते हैं होंडा सिटी में। घूमने जाने का एक्साइटमेंट भी है कि मज़ा आएगा, चलो खूब घूमने जा रहे हैं। और लेकिन बेटी को अकेले छोड़ के जाना था तो ये भी थोड़ा लग रहा था कि बहुत दूर है, बहुत दूर हो जाएंगे, लेकिन खैर चल दिए हम लोग। और बच्चे तो जब तक दिखते रहते हैं ना, तब तक देखते ही जा रहे थे कि चलो अभी मम्मी पापा को सी ऑफ करके फिर जाएंगे। तो हम लोग ने अपना सामान पूरा, देखो इतना सामान लाद के लेके जा रहे हैं कि बिल्कुल पता नहीं क्या क्या भर लिया, इतना समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या इतना भरा है। और खैर दो दो ट्रॉली भर के हम लोग चले गए। तो चेक इन और सिक्योरिटी ये सब हमारा बहुत जल्दी हो गया था, तो हम बहुत जल्दी ही फ्री हो गए। और उसके बाद ड्यूटी फ्री में, दिल्ली ड्यूटी फ्री में घूमने का तो मज़ा ही अलग है। जितनी रौनक यहाँ पे है ना, तो उतनी जितने भी ड्यूटी फ्री शॉप्स आप देख लो, दिल्ली की ड्यूटी फ्री शॉप्स की बराबरी कहीं नहीं है। तो पूरा हम लोग घूमते रहे क्योंकि टाइम बहुत था हमारे पास, 4 घंटे पहले हमें पहुंचना था, लेकिन हमारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन सब जल्दी हो गया था, तो इसलिए टाइम हमारे पास बच गया था खूब। तो खूब घूमे फिरे, और उसके बाद ऊपर फूड कोर्ट में जाके हमने मैकडोनल्ड से पिज़्ज़ा, ये बर्गर वगैरह भी खाया, क्योंकि फिर तो मिलने वाला नहीं था। और ये देखो एक अजीब सी नई सी बात, फूड कोर्ट में कितने आराम से ये कबूतर घूम रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट पे इतना कबूतर चिड़िया ये होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की है ये कि प्लेन से मतलब टकराना वगैरह। और ये तो जब भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर जाओ दिल्ली IGI से, तो ये इसके सामने तो फ़ोटो खिंचाना ज़रूर बिल्कुल बनता ही है। और इसके बाद फिर बहुत लंबे लंबे ऐसे पाथवे कॉरिडोर्स को पार करते हुए हम लोग पहुँचे अपने टर्मिनल गेट के बाहर। टर्मिनल गेट नहीं, एक्चुअली टर्मिनल 3 के हमारे बोर्डिंग गेट पे 4 किलोमीटर कम से कम चल के अब बोर्डिंग गेट के पास आके बैठ गए हम लोग। और अभी भी आधा घंटा और बैठना है, उसके बाद बोर्डिंग होगी। फ़्लाइट के आधा घंटे पहले 5:30 बजे से बोर्डिंग शुरू हुई, और उसके बाद हम आराम से जाके अपनी सीट्स पे बैठ गए। तो बस 5 मिनट में उड़ान भरने वाले हैं, और 9 घंटे की फ़्लाइट है, 9 घंटे के बाद हम पहुंचेंगे जापान। हमारी फ़्लाइट थी जापान की एयरलाइंस ANA है, एयर निप्पो एयरलाइंस, तो उससे हमने उड़ान भरी। और जल्दी ही बिल्कुल जैसे आसमान में पहुंच जाते हैं और नीचे सब छोटा छोटा दिखने लगता है, तो वैसे ही हुआ। और चूंकि 6 बजे की फ़्लाइट थी तो जल्दी ही सनसेट भी होने लग रहा था। इस समय हम 37,000 फीट की हाइट पे हैं, लेकिन अभी भी नीचे का जो व्यू है ना, वो हम देख पा रहे हैं। रिवर्स एंड रोड्स वगैरह हम सब देख सकते हैं, हालांकि कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन ऐसे नेकेड आई से हम सब देख पा रहे हैं। और तभी ये ख्याल आया कि भाई जापान एयरलाइन से हाईटेक तो होनी चाहिए। तो ये देखो जैसे नॉर्मल जो प्लेन्स होते हैं उसमें एक शटर जैसा होता है ना, उससे इसको बंद कर सकते हैं खिड़की को, लेकिन यहाँ पे ये बटन्स थे तो उससे ये कांच को, इसको ही हम डार्क कर ले रहे थे। तो ये देखो आप डिफरेंस, वो डार्क हो गया, ये लाइट रह गया। अब देखो आप इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा, कितना लाइट और कितना डार्क हो सकता है। सिर्फ ये बटन प्रेस करने से इसकी हम डार्कनेस बढ़ा ले सकते हैं। और इसी तरह समय गुजरता रहा, अब अंधेरा होने लग रहा था सनसेट, और सनसेट के टाइम की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। फिर हमारा खाना आया, तो ये जापनीज़ कुजीन ही था, बट ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, हालांकि मेरे हस्बैंड को ज़रा उसका टेस्ट नहीं है,
उनको इंडियन फूड ही अच्छा लगता है, बट मुझे तो बहुत मज़ा आया। इतनी बढ़िया फिश मैंने नहीं खाई जितना अच्छा यहाँ पे मिला था। पूरे चाइना को पार करते हुए जापान तक पहुँचते हैं, तो वुहान भी आता है रास्ते में। COVID-19 के नाम से वुहान तो बड़ा ही फेमस है, और ऊपर से थोड़ा लाइट्स भी दिख रही थी तो वो भी मैंने लेने की कोशिश की। और फिर अब सवेरा सा होने लग रहा था, फिर हमारा एक और हमें ये फूड ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिला, तो ये मदर डेयरी का दही था बड़ा अच्छा सा। और अब हम जापान पहुंचने लग रहे हैं। ये नीचे आप देख रहे हो, ये जापान का टोक्यो शहर दिख रहा है नीचे, और ऊपर से तो बड़ा ही लग रहा था कि एक्साइटमेंट की, अरे जापान जापान जापान। तो ये देखो आप यहाँ से वहाँ तक कितना बड़ा सा ब्रिज है बना है ये, और मुझे लगता है शायद ये कुछ डॉक जैसा है, क्योंकि ये आगे जाके पानी में ही ख़त्म हो जाता है, तो शायद यहाँ से स्टीमर्स या ऐसे कुछ जाने के लिए होगा ये। तो और सनराइज़ होने लगा था अब तक, तो बहुत सुंदर। और ये जापान में मैंने पहली बार देखा ये कि बिल्कुल रनवे के बगल बगल में पानी है। ये कुछ बे ऑफ टोक्यो या ऐसे कुछ करके ये वाटर बॉडी है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस लग रहा था। और फाइनली हम टोक्यो के अनेडा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे, और उसके बाद चूंकि टर्मिनल चेंज नहीं होना था तो इसलिए थोड़ा सा आसान था, नहीं तो ट्रेन वगैरह चेंज करके जाना पड़ता है। टर्मिनल सेम ही था, तो फिर लेकिन उसके बाद फिर बहुत लंबे लंबे कॉरिडोर पार करके, और इतनी भीड़ थी इमिग्रेशन वालों की, तो बहुत हद से ज़्यादा लंबी लाइनें थी। बाहर लंबी लाइन थी, और उसके बाद फिर अंदर रूम में भी जो सिक्योरिटी चेक इन के लिए रूम था वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। तो जापान के अनेडा एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं, चेक इन सिक्योरिटी सब हो गया है, और अब हमारे पास 10-11 घंटे हैं एयरपोर्ट पे बिताने के लिए। तो घूमेंगे देखेंगे, आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या क्या है। और अब एयरपोर्ट घूमना है तो मैंने लिपस्टिक वगैरह वापस से लगा लिया है कि ये ना लगे कि रात भर के ट्रैवल करके आ रहे हुए हैं। सुबह 5 बजे हमारी फ़्लाइट पहुँची थी, और वो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी वगैरह होते होते उसमें 2 घंटे लग गए थे, तो वो 7 बज रहा था। एयरपोर्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह खुली तो फिर यहाँ भी घूमे, तो यहाँ पे तो सब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे, मतलब फैशन ब्रांड्स ही मेनली थे जापान में। हालांकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब बढ़िया होता है ना, तो वो नहीं था, बस यहाँ पे फैशन ब्रांड्स ज़्यादा बड़े बड़े थे। मतलब ज़िंदगी में पहली बार इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की यहाँ पे स्टोर्स देखे, क्योंकि दिल्ली में तो नहीं है ये, हर्मीज़ वगैरह या वैसे भी जहाँ देखा है मैंने नहीं देखा। फिर ये टोक्यो सोवेनियर शॉप थी, तो यहाँ से भी कुछ तो लेना बनता ही था, तो फिर मैंने यहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स खरीद लिए, क्योंकि यही एक औकात की चीज़ दिखी जो ले सकते थे, बाकी ब्रांड्स तो नहीं ले सकते थे। और अब आपको जापान के हाईटेक टॉयलेट्स दिखाती हूँ। तो ये जो पानी की आवाज़ सुन रहे हो ना आप, ये तो ये जैसे ही टॉयलेट में एंटर होते हैं ये अपने आप पहले ही फ्लश हो जाता है। तो सीट के बगल में ये ऐसे कुछ ये लगा हुआ था, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लगाया ये, फिर समझ आया अच्छा ये इसको पकड़ के उठने के लिए है बूढ़े लोगों के लिए। और ये सीट सैनिटाइज़र के लिए भी सैनिटाइज़र भी था। और ये देखो एक ये क्यों लगा था वहाँ पे, हालांकि लोग ऐसा करते ही होंगे, कि साइन बना था कि सीट के ऊपर मत बैठो। और ये कुछ बच्चों के लिए नैपी वगैरह के चेंज करने के लिए यहाँ पे था, तो वहाँ पे भी लिखा था कि नहाना नहीं है यहाँ पे, बाल नहीं धोने हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे ये बटन्स जैसे लगे थे जिसमें कि सब ये निशान बना हुआ है कि आपको क्या करना है, तो कौन सा बटन प्रेस करो, तो आप खुद ही देख लो समझ लो कि क्या क्या करना है किसको। और ये भी एक जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ये बड़ा अच्छा सा लगा था कि इसको पकड़ के उठने के लिए, तो जैसे कमज़ोर लोग या बूढ़े लोग के लिए, तो वो बहुत अच्छा था। और इसको दरवाज़ा खोलने का भी सिस्टम कुछ डिफरेंट ही है यहाँ पे, और जब आप उठ के जाने लगोगे ना तो फ्लश भी अपने आप ही हो जाएगा। और फिर बाहर ये डिस्प्ले भी लगा है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था, और हाथ वाथ तो सुखाने के लिए सब जगह होते ही है, तो वो यहाँ पे भी था। और पीने का पानी भी जिस तरह से वाटर फाउंटेन्स होते हैं ना, तो वही पानी आप इस तरह से इसको करो और मुंह लगा के पी लो।
और जो 8-10 घंटे एयरपोर्ट पे बिताए ना, तो उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें भी देखने को मिली। ये देखो, कभी सोचा है आपने कि आपका सामान एयरपोर्ट उसमें लोड कैसे होता है? तो ये देखो, ये बड़े बड़े कंटेनर्स में ऐसे सारा सामान पैक कर लेते हैं और फिर इनको हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर प्लेन में लोड कर देते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे रैंप जैसा था, तो उसके बाद फिर ये आगे इसके एंड पे हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसे लगी हुई थी और इस तरह से देखो कितनी आसानी से लोड हो गया ये। एक और जो नई चीज़ मुझे पता चली वो ये कि ये प्लेन में फ्यूल कैसे भरते हैं। तो ये शायद अंडरग्राउंड टैंकर्स होते होंगे और उससे ये मोटा सा ऐसे पाइप जैसा निकाल के और प्लेन की टंकी में ही कनेक्ट करते होंगे ऑब्वियसली, और उससे ये फ्यूल भर लेते हैं। तो इतनी देर जो एयरपोर्ट पे बैठे तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत नई नई चीज़ें जो नहीं पता थी अभी तक वो पता चल गई। और लंबा समय एयरपोर्ट पे गुजारने के लिए ये लॉन्चर्स तो बेस्ट थे यहाँ पे। और ये देखो, अपना हिंदुस्तानी दिमाग कुछ ना कुछ तो अपना जुगाड़ू हिंदुस्तानी चीज़ें ढूंढ ही लेता है। ये देखो, बिल्कुल लग रहा है ना जैसे चारपाई है ये, हालांकि ये चारपाई नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन देखने में तो बिल्कुल चारपाई जैसा लग रहा है। और ये देखो, एक प्लेन उड़ चला और हमारा प्लेन भी उड़ चला। तो वही देखो, किनारे किनारे पानी है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। टोक्यो से सिएटल की फ़्लाइट भी शाम की थी 6 बजे की, तो वो भी फिर धुंधुलका जैसा सा हो रहा था, तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। और जब ये बादलों के बीच में से प्लेन गुजरा तो ये तो बिल्कुल इतना मेस्मराइजिंग जैसा था। बहुत बार आसमान में उड़ान भरी है लेकिन ये दृश्य बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये जल्दी ही सनसेट होने लगा था तो बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट का भी दृश्य लग रहा था। और एक मज़ेदार सी बात बताएं आपको, जिस दिन हम जापान पहुँचे थे सवेरे, उस दिन 20 तारीख थी, तो 20 तारीख जापान में शुरू हुई और उसके बाद हम फ्लाई करके सिएटल आ गए। तो सिएटल चूंकि 12 घंटे का आगे डिफरेंस है तो 20 तारीख वहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये जो 20 तारीख थी ना, ये ज़िंदगी की सबसे लंबी 20 तारीख थी, ऑलमोस्ट 40 घंटे की। तो 20 तारीख की सुबह ही 10:30 बजे करीब हम लोग सिएटल पहुँच गए। और ये जो नीचे देख रहे हो ना आप, इतने सारे जो प्लेन्स खड़े हैं, ये बोइंग की फैक्ट्री है। यहाँ पे करीब करीब 2 घंटे इमिग्रेशन की लंबी लाइन में लगने के बाद हम फाइनली पहुँच गए हैं अपने बेटे के पास सिएटल। तो आगे की कुछ दिनों आप कुछ ब्लॉग्स जो हैं वो अमेरिका के देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, घुमाते रहेंगे आपको सिएटल, फ्लोरिडा, जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो मज़ा आएगा। बढ़िया, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पहाड़, बीच, मॉल्स, मार्केट, सब जगह की सैर करवाऊंगी आपको।